नमस्कार मित्रों, मैं विजय सोलंकी और आप देख रहे हैं समथिंग ऑफ एवरीथिंग। इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे रखें। तो सबसे पहले तो हम सर्च करते हैं कोई भी कंपनी को। चलो हम रिलायंस को ही सर्च करते हैं। सर्च करने पे आपको रिलायंस के शेयर का प्राइस दिखाएगा। यह है उसका कोटेशंस। अभी उसके नाम के ऊपर क्लिक करने पर ऑर्डर एंट्री फॉर्म खुलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रिलायंस का शेयर 782.15 रुपीज़ का है। तो अगर आपको बाय करना है स्टॉप लॉस पे, तो SLL करके इधर रखें। कितनी क्वांटिटी, जो आपको जितने शेयर्स लेने हैं उतनी क्वांटिटी डालिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब 782 अभी प्राइस है, तो आप स्टॉप लॉस रख रहे हो कि अगर इसकी प्राइस 780 से कम जाएगी तो ही मैं लूँगा। मतलब कि स्टॉप लॉस रखा है आपने कि 780 हो तब मैं ये शेयर लूँगा। कितनी प्राइस पे लोगे आप? तो 780 पे। उसकी ट्रिगर प्राइस क्या होगी? तो के 780 या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते आप। इसको करेंगे तो ये आपका ऑर्डर आगे जाएगा। अभी इसी तरह से सेल में जाते हैं तो स्टॉप लॉस लिमिट का ऑर्डर करते हैं। 782 उसकी प्राइस है, तो अभी 785 प्राइस होती है तो मैं उसको बेच दूँगा। 785 रखते हैं और सेल करते हैं तो हो जाएगा। अगर आप उसको 780 रख रहे हो स्टॉप लॉस और सेल करते हो तो भी होगा। बट याद रखिए कि स्टॉप लॉस ऑर्डर डालने के बाद उससे देखते रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 780.05 भी होगा तो आपका ऑर्डर ट्रिगर नहीं करेगा, और उस केस में आपको लेने की इच्छा तो होगी पर ले नहीं पाओगे। इसलिए उसको मॉडिफाई कर सकते हो ऑर्डर देने के बाद। स्टॉप लॉस ऑर्डर ज़रूर रखें ताकि आपको नुकसान की भरपाई मार्जिन में रहे। हमें देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।